बनी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, मतलब ठीक ठाक थी, मतलब ये बिरयानी इट्स गुड, अच्छी है, तुमने कोशिश किया, बना के देखा, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने मैगी बनाया अच्छा, जो मुझे आता है अच्छे से, टमाटर वमाटर डाल के, और फाइनली दिन मैंने जो है वो सोचा, सुनिएगा बात के, मैंने सोचा कि मैं, मेरे घर में कुक नहीं है अभी, ठीक है चल छुट्टी पे गया हुआ, उसके भाई की शादी है ना, कोरोना का टाइम भी, बाहर से किसी को बुलाते भी नहीं, बाहर से चीज़ें भी नहीं बुलाते, सोचा मैंने एक दिन कि चलो बिरयानी बनाता हूँ अच्छी सी, खूब रेसिपी रेसिपी देखा, सामान इकट्ठा किया, ठीक है सब कुछ करके, एक एक चीज़ को मेटिकुलसली करके डाला बिरयानी में, ठीक है कोशिश पूरी थी अच्छे से, सब कुछ पूरा फॉलो किया प्रोसीजर, पर थोड़ी बिगड़ गई। बनी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, मतलब ठीक ठाक थी, मतलब ये बिरयानी का जैसा है ना कि भैया आप होटल ताज का बिरयानी खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है बहुत अच्छा बिरयानी बनाएंगे वो लोग, हम बनाए कोशिश किए, पर थोड़ी सी बिगड़ गई। बच्चों को दिया हमने, वाइफ को दिया हमने, खुद भी खा, है ना, कैसी बनी? बड़ा वाला बेटा बोला, फू मीठी मीठी लग रही पापा, बिरयानी का मजा ही नहीं है इसमें। ठीक है, छोटा वाला बोला ठीक है काम चला लूंगा। भारती ने बोला इट्स गुड, अच्छी है, तुमने कोशिश किया, बना के देखा, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई बात नहीं, इसको काम करेंगे, इसमें अगली बार इसमें ये चीज को तुम मत डालना, और रेसिपी में जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है वो इसको। मुझे मन में लगा, धक्का लगा कि यार मैंने मेहनत किया, 2 घंटा 3 घंटा किचन में भी काम भी किया, मैंने वक्त निकाल के काम किया, चलो ठीक है सरप्राइज करते, बिगड़ गया। फिर मैंने क्या किया, अब चूंकि मेरी मैंने मैंने प्रॉमिस किया था कि फिर मैंने मैगी बनाया जो मुझे आता है अच्छे से, टमाटर वमाटर, और फाइनली वो ठीक बन गया।